हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए संडे स्पेशल क्लास में लेकर आए हैं ये आपका पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। ये बहुत ज़्यादा मतलब रिकमेंड में होता है और ये बच्चों की रिक्वेस्ट होती है कि सर ये हमें समझ में नहीं आती है। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए ज़रूरी होता है जो जिनकी क्लास में यानी साइंस सब्जेक्ट लगती है, विज्ञान, ठीक है ना। तो ये विज्ञान यानी बोले तो विज्ञान का ही पार्ट आपका क्या होता है, केमिस्ट्री होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये जिनके जिनके क्लास में यानी कि आपका विज्ञान लगता है उन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और मैं समझता हूँ कि क्लास सिक्स से एक अच्छी साइंस आने लगती है जिसमें हमारी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक और स्पेशली और कंपटीशन लेवल के हों या फिर कॉलेज लेवल के हों, सभी के लिए ज़रूरी होता है। और एक बात, ये इसको मतलब हम पढ़ें तो पढ़ें क्यों, है ना। तो मैंने बहुत दिन से सोच रहे थे इस पे वीडियो बनाने के लिए, बट आज संडे है तो मैंने कहा संडे स्पेशल में आप लोगों के लिए कुछ अलग लाया जाए ताकि वो सभी स्टूडेंट के लिए हो और एक मतलब एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको डीप सब टॉपिक हो और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हो जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी हो आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको प्रिफेयर किया और ये फाइनली मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। ये आप देख पा रहे हैं ये मॉडर्न, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ऑफ द एलिमेंट्स लॉन्ग फॉर्म। ये लॉन्ग फॉर्म में आपका टोटल इसमें जितने आपके एलिमेंट्स होते हैं यानी कि तत्व होते हैं सारे इसमें शो ऑफ है, ठीक है, जिसको हम लोग एक एक करके सारे समझेंगे। इसको कैसे स्टडी किया जाता है यानी रीड कैसे किया जाता है, इसको कैसे लर्न किया जाता है, इसको कैसे समझा जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती, क्या क्या पॉइंट होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे क्या पढ़ा जाता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, रो होता है, कॉलम का होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वाट एवर, ये क्या है सब कुछ आपकी बताइए। ये चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप क्लास सिक्स में हो, सेवन्थ में, एट्थ में हो, नाइन्थ में हो, टेंथ में हो, इलेवन ट्वेल्थ और नाइन्थ टेंथ के लिए। तो ये स्पेशली मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता है। और इलेवन ट्वेल्थ में तो आपका केमिस्ट्री जो होती है, फिजिक्स में तो थोड़ा बहुत होता है बट केमिस्ट्री में आपका ये बहुत ज़्यादा होता है, बायो में थोड़ा बहुत होता है 2-4% का, फिजिक्स में, बाकी केमिस्ट्री तो इसकी ये मतलब ये जान है उसकी, है ना। तो कहते नहीं कि अगर बॉडी एक हमारी है तो बॉडी में से अगर हम सोल आत्मा को निकाल लिया जाए तो बॉडी निर्जीव हो जाती है, ऐसे ही आपका क्या हो सकता है। इसको अगर हम पीरियोडिक टेबल को अगर केमिस्ट्री में से साइंस में से अगर निकाल लें तो वो बेजान हो जाती है, उसको केवल हम एक जगह से उठा के रख सकते हैं, मतलब रट सकते बट उसको हम समझ नहीं सकते और उसको किसी को समझा नहीं सकते और इसको हम इसकी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकते ना उसको सॉल्व कर सकते। ये आपकी सबसे बड़ी बात हो गई, क्लियर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेशन में आया था मेरे, तो इसलिए मैंने इसको कहा कि चलो इसको टॉपिक को इसमें कम से कम आपकी वीडियोज कितनी बनेंगी, लगभग 25 से 30 वीडियो में, ज़्यादा लंबी ना बना करके 20 से 30 मिनट के वीडियोज में मैं आपको डिटेल कराऊंगा। जब आपका डिटेल होगा तो आपका इसमें कम से कम बहुत सारी वीडियोज हमारी क्रिएट हो जाएंगी, वीडियो यानी कि 25 से 30 वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी जिसमें हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। अब आज इस संडे से स्टार्ट किए हैं, आपकी डेली इस पर 10 मिनट से 20 मिनट के बीच में आपकी वीडियोज आएंगी और आपको डेली इतना टाइम देना है, 10 से 20 मिनट डेली आपको देना है ताकि आपको ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप कंपटीशन में भी जाते हैं पेपर देने, चाहे NTPC हो, रेलवे हो, किसी भी अदरवाइज हो, उसमें आपका 3 से 4 नंबर इसका जरूर आता है। मैंने खुद अटेम्प्ट करते हैं हर साल पेपर, उसमें आपके आते हैं लेकिन हम लोगों को इजी लगता है क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों को रीडिंग करना आता है, जो समझना आता है कैसे ये मतलब शो अप किया गया है, कैसे इसको फेस करें, सारी चीज़ें। तो आज आपके सारे क्वेश्चंस का सलूशन हम लेकर आए हैं, हम आपको पूरी इसकी एक रणनीति बताएंगे कि कैसे इसको हम लोग फेस करेंगे और इसको किस सिक्वेंस में मतलब सिक्वेंस वे में हम इसको पढ़ें कि आपका क्लियरली रूप से आपको समझ में आए। आया समझ में, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल बने रहिए और आपको जहाँ भी दिक्कत जाएगी हम उसको क्लियर कर, हम आयु के आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैं आपको सीक्वेंस भी मैं पढ़ाऊंगा, गारंटी से कहता हूँ 100% कि आपको मेरी सभी वीडियोज देखने के बाद और डेली वीडियोज एक भी दिन मिस किए आपको नहीं समझ में आने वाला है, गारंटी, क्योंकि एक दूसरे से सारी चीज़ें लिंक है। और मैं किन किन टॉपिक पे आपको पढ़ाऊंगा, इसकी किन किन टॉपिक जो हाईलाइटेड होती है आपकी 11th, 12th, 9th, 10th, 6th, 7th, 8th कंपटीशन लेवल में किस किन टॉपिक से पेपर में आते हैं, वो सारे टॉपिक मैं सिलेबस बना कर लाया हूँ आपको। अभी हम बताएंगे किस हम लोग रणनीति के तहत, किस प्लान के तहत हम लोग इसको पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, बिल्कुल। जय
जैसा आपको पता है कि इसमें आपके टोटल 118 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 118 तत्व होते हैं, ठीक है। पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 तत्वों का नामकरण कर दिया गया, उनके नाम दे दिया गया है। अब बाकी जो और भी खोजे गए हैं बट उनके नामकरण अभी नहीं हुए, इसलिए उनको शो अप यहाँ पे नहीं किया गया है, समझ में? बिल्कुल, 118 तत्व आपके क्लियर। अब 118 तत्व में आपके वो सारी चीज़ें हैं, इसमें आपकी बोले तो धातुएं भी शामिल हैं, इसमें अधातुएं भी इसी में शामिल हैं, ठीक है। इन्हीं के अंदर आपकी गैसें भी आती हैं, कभी कभी हम लोग सुनते हैं गैस इसमें कहाँ है भाई, कभी कभी सोचते ठोस कहाँ है, कभी कभी सुनते हम लोग द्रव कहाँ है भाई, कभी कभी हम लोग सोचते ऑक्सीकरण संख्या क्या है, कभी कभी सोचते संयोजकता क्या है, कभी कभी ये हम लोग सोचा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या है, ग्रहण करना क्या है, बाऊ नियम क्या है, पाउली का वर्जन नियम क्या है, हुंड का नियम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये कैसे संयोग करते, कैसे यौगिक बनाते, एक तत्व तो दूसरे से क्रिया कैसे करता है और क्यों करता है भाई, उसकी क्या जरूरत है और इसको हम क्यों पढ़ें भाई, इसको क्यों पढ़े, इसका अध्ययन करना क्यों जरूरी है, हैं? ये सारी चीज़, और आपको जितने भी ट्रिक्स होंगे ना ये ग्रुप याद करने के लिए, वो सारे आपके लिए मैं लाऊंगा, और सारे हमारे पास पूरे मटेरियल बना हुआ है पूरे रफ नोट में, ठीक है ना। मैं आपको ये सीक्वेंस वे में पढ़ाऊंगा, बस आपको एक साथ मतलब मेरे साथ बने रहना वीडियो लास्ट तक, अब पूरी बात को सुनना है और आपको नोट कर लेना है। देखिए जो डेडिकेटिंग के साथ जो स्टूडेंट पढ़ेंगे इसको वो नोट कर लेंगे, इसके अलग से एक पीरियोडिक टेबल का नोट बना लेंगे, एक 10 रुपए का रफ लीजिए, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे आपके, मतलब ये आपका 6 से लेके कंपटीशन लेवल तक का हम इसमें कराने वाले हैं, आपको परेशान नहीं होना, सिर्फ बने रहना वीडियो में। बिल्कुल थोड़ी वीडियो इसकी लंबी होती रहेंगी बट आपको थोड़ा सा टाइम देना, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें धातुएं होती है, धातु गैस ठोस द्रव होती हैं, इसमें आपकी ऑक्सीकरण संख्या संयोजकता कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे होते हैं, हमारा एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, यफ ब्लॉक क्या है, किसको हम आपके मृदा तत्व कहते हैं, किसको हम क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं, किसको हम संकरण तत्व कहते हैं, किसको आपका अंतः संकरण तत्व कहते हैं, किसको हम किनको हम धातु कैसे पहचानेंगे, इसमें धातु कहाँ है, कहाँ पहचानेंगे धातु का, गैस द्रव ठोस कहाँ है इसमें, इनको कैसे रीड करें, हम ऐसे ऐसे रीड करें कि ऐसे ऐसे रीड करें, ये सारी चीज़ें आपको कैसे जानना है भाई। इसमें कितने खंडों ब्लॉक की अवर्त क्या है, और आपकी पंक्ति क्या है, कॉलम क्या है, स्तंभ क्या है, ब्लॉक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आपके मन में कन्फ्यूजन रहता है। एक नया बच्चा जब आता है 11th में तो उसके फेस सबसे पहले इसी पढ़ती है भाई, केमिस्ट्री जब शुरू करता है तो इसी में पढ़ती है, लेकिन आपको इसको बिना पढ़े हुए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिर बेकार है आपकी मेहनत, क्योंकि आप सिर्फ रट रहे हैं बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे ये नहीं पता है तो आपको केवल रट रहे हैं केमिस्ट्री, बाकी साइंस आपको पता कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अब हम आपको इसमें बताएंगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, हम लोग सबसे पहले क्या क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले ही देखेंगे तत्वों का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, तत्वों का अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना, ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन आप पूरा प्लान हम लेकर आए हैं आपके लिए, क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सभी वीडियो में जो आपकी 20 से 25 वीडियो बनेंगे, 25 से 30, उसमें आपके क्या क्या कराने वाले हैं, एक एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे, डिटेल कराएंगे, और इसके ऑब्जेक्टिव MCQs भी कराएंगे आपके, ठीक है। तत्वों का अध्ययन करना क्यों आवश्यक होता है, क्यों जरूरी होता है, क्यों जरूरी है, ऐसा लिख सकते हो, जरूरी है, क्लियर है। ये आपका पहला क्वेश्चन आपके मन में बनता है, इसको आप फर्स्ट नंबर देंगे कुछ इस प्रकार, ठीक है। आपको जिस नंबर में हम डालेंगे उसी नंबर में आपको लिखना, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्सअप होने वाले आगे चल के। अगला आपका क्वेश्चन आता है दूसरा नंबर, आवर्त सारणी के क्या डालना है, आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास क्या है। संक्षिप्त इतिहास कहने का हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे पूरी तरह से, ठीक है, विस्तृत, संक्षिप्त था विस्तृत, हम लोग विस्तृत पे ध्यान देंगे, विस्तृत इतिहास हम लोग ये भी देखेंगे कैसे इसमें इतिहास यानी कि आगे बढ़ता गया, ठीक है। और इसी के अंदर हम लोग इसका एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर ए नंबर डाल लेंगे, ठीक है, दूसरे का ए, क्लियर है, ऐसे आपको डालना है दूसरे का ए, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण का महत्व, क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण का महत्व,
ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आखिर इसका अवसान के विकास, इसका विकास कैसे फाइनली जो आपका बनकर आइए तैयार है मॉडर्न पीरियड। इससे पहले बहुत तरह की हमारी पीरियडिक टेबल बनाएंगे जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, हम आपको सभी की पिक दिखाएंगे कैसे कैसे फाइनली लास्ट वाली है, तो उसका इतिहास पूरा बताएंगे और अध्ययन करना क्यों हम इसको अध्ययन करें ये भी हम आपका आंसर देंगे जो। लेकिन अभी हम जान लें भाई पढ़ेंगे क्या क्या, भाई क्या सिक्वेंस होता है इसमें, कैसे हम चलेंगे, क्योंकि बिना प्लान के कोई काम करना मजा नहीं देगा, आपको ये ध्यान रखना। वर्गीकरण का महत्व हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बी। अब इसमें हम बी नंबर पे क्या देखेंगे भाई, बी नंबर पे, अब बी नंबर दूसरे का भैया ध्यान रखना आप लोग, इसमें डालेंगे हम लोग जॉन डाल्टन, हमारे आए थे जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, जॉन डाल्टन का परमाणवी सिद्धांत, ये हम लोग पढ़ेंगे जॉन डाल्टन का परमाणवी सिद्धांत सबसे पहले इन्होंने दिया था। ठीक है, हम लोग यहाँ तत्वों का अध्ययन क्यों है पढ़ लेंगे, जब हमको प्रॉफिट लगेगा हम लोग पढ़ेंगे। आवर्त सारणी का विकास देखेंगे, सबसे पहले किसने आवर्त सारणी बनाई, किसके मन में विचार आया, किसने बनाई, किसने फिर सुधारा, किसने फिर सुधारा, फिर लास्ट में कौन बनाया, किसकी है इसका ये मॉडर्न पीरियड टेबल किसकी, ये आपके लिए क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, ये वर्गी, फिर हम लोग देखेंगे वर्गीकरण इसका, ये डिवाइड क्यों किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और ये कई सारे आवर्त और पंक्ति में आपको कैसे बांटे गए, ये चीज हम लोग देखेंगे, इसका महत्व क्यों है। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, फिर सबसे पहले जॉन डाल्टन हमारे वैज्ञानिक होते हैं केमिस्ट्री में, इन्होंने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था, क्या दिया था, जो कि 1808 में दिया गया था, किसमें दिया था, 1808 में दिया गया था आपका, क्लियर है, यस। अगला आता है सी नंबर पे भाई, जब इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दे दिया गया था तो फिर हमारा क्या किया गया, इसका आपका वर्गीकरण किया गया, फिर यहाँ पे जैसे जॉन डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया तो सभी वैज्ञानिकों के सभी लेखकों के क्या दिमाग की बत्ती खुल गई, ओ वाओ इसको ऐसे डिवाइड किया जा सकता है, फिर उन्होंने सभी ने क्या कहा, इनका जो परमाणु सिद्धांत था उसको उन्होंने उठाया वहां से। ठीक है, बिल्कुल, तो सी नंबर हम क्या लिखेंगे, वर्गीकरण, वर्गीकरण कैसे करेंगे, अब इनके सिद्धांत के बाद का वर्गीकरण, ये तो महत्व है, वर्गीकरण तो यहाँ होगा आपका। ठीक है, वर्गीकरण, वर्गीकरण वो भी इनका बेस, देखिए बेस इसमें लिया गया था, कौन सा बेस लिया था, परमाणु भार के आधार पर, यहाँ पे हम डाल लेंगे परमाणु भार के आधार पर, क्योंकि जो परमाणु भार का जो खोज हुई थी वो जॉन डाल्टन ने अपने सिद्धांत में बता दिया था कि परमाणु भार सब कुछ होता है इस पीरियोडिक टेबल, एक तत्व के लिए सबसे बड़ा मौलिक होता है कौन सा मौलिक गुण, परमाणु भार होता है। बस सभी वैज्ञानिकों ने सोचा, सभी लेखकों ने सोचा कि बहुत अच्छा इन्होंने दिया, अब हम परमाणु भार को मान करके मूल बिंदु मानकर केंद्र बिंदु मान करके हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला परमाणु आधार क्या माना गया भाई, परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण किया गया। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई, वर्गीकरण जो परमाणु भार के आधार पर, तो इसमें हम सी का पहला, सी का क्या देखेंगे, पहला नंबर, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, सी का पहला है ये, ध्यान रखना इसको। ठीक है, ऐसे आप डालेंगे, इसमें सबसे पहले डॉबे राइनर का त्रिक नियम आता है, कौन आता है, डॉबे राइनर का त्रिक नियम आता है, क्या लिखेंगे, डॉबे राइनर का त्रिक नियम, क्या आता है भाई, त्रिक नियम आता है। ठीक है, डॉबे राइनर का त्रिक इन्होंने दिया था जो कि 1829, देखो 1808 में ये था, 1829 में, इतने साल बाद ये आते, 1829 में इन्होंने दिया, डॉबे राइनर का त्रिक नियम जो आता 1829 में आता, क्लियर है, यस। अगला आता हमारा इसी में दूसरे नंबर, इसी का दूसरा, ठीक है, इसमें कौन देता, इसी आधार पर, जब तक ये आधार चलेगा तो सी का ही चलेगा, क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना। आते हमारे टेलुरिक, टेलुरिक स्क्रू, टेलुरिक स्क्रू, ठीक है, टेलुरिक स्क्रू इसको बोलो, या फिर हेलिक्स का नियम इसको कहा जाता है, या हेलिक्स का नियम, हेलिक्स का नियम कहा जाता है। ठीक है, हेलिक्स का, अब ये कब आया है इसको हम लोग ध्यान देंगे, 1829 में इन्होंने दिया, 1862 में दिया था इन्होंने, क्या दिया था, 1862 में, हम लोग यहां पे लिख लेंगे 1862। ठीक है, बिल्कुल 1862 में इन्होंने दिया था, ये हमारा टेलुरिक स्क्रू है। अब इनके बाद कौन आया भाई, देखिए इनमें बहुत सारी कमियां थी, इनका फेल हो गया था। ठीक है, फिर ये आए, कहते हम कोशिश करते हैं, इन्होंने देखिए कितने साल बाद कोशिश की, अब फिर ये दिए, इनका भी बहुत अच्छा नहीं रहा, फेल हुआ। तो फिर अब आते हमारे दूसरे आते हैं जिनका हम लोग ऊपर चर्चा करते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, आपको 118 ध्यान रखने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम आपको सारी चीज़ डिवाइड करके पता पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लें, इधर का लिख लिया आप लोगों ने, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है।
ऑल व्यू। टेलुरिक तीसरे नंबर पे कौन आते हैं भाई हमारे, सी का तीसरा देखते हैं भाई, जिनका भी यही आधार होता है परमाणु भार, ठीक है। कौन आते हैं हमारे, न्यूलैंड का स्टक नियम आता है, कौन आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, क्या आता है भाई, न्यूलैंड का अष्टक नियम आता है, का अष्टक नियम, अष्टक नियम। न्यूलैंड होते हैं वैज्ञानिक, इनका नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने एक अष्टक नियम दिया, अष्टक नियम दिया था, बिल्कुल वही सारे गामा पधनी के आधार पर इन्होंने बनाया था, जिसके संगीत के साथ स्वर होते हैं उसी पर इन्होंने बनाया था, ठीक है। इन्होंने ये 62 के बाद 65 में इन्होंने दिया था, कब दिया था, 1865 में दिया था, ठीक है। ये सन आपको ध्यान रखना है, सन आपको याद करा देंगे, आप टेंशन नहीं लेना। देखिए 1808, 1829, 1862, 1865। अब आते हैं न्यूलैंड के बाद, इनका भी फेल हुआ, बहुत अच्छा नहीं रखा है, बहुत कोशिश इन्होंने की, बहुत कुछ क्लियर भी किया, बट उसके बाद फिर लोथर मेयर व्यवस्था आती, लोथर आते हैं हमारे, लोथर मेयर व्यवस्था, उन्होंने अपने उस सारणी का नाम क्या दिया, लोथर मेयर व्यवस्था, क्या दिया था, लोथर मेयर व्यवस्था, व्यवस्था को उन्होंने वक्र नाम दिए भी दिया था, एक वक्र, ठीक है। अब लोथर मेयर आया, उन्होंने बहुत ही लंबी लंबी 16 ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर बनाई थी, हम आपको दिखाएंगे 16 ऊर्ध्वाधर रेखाएं उन्होंने बनाई बहुत ही जटिल तरीके से, बट हाँ लगभग उन्होंने 50% से 60% सॉल्व कर डाला था, ये भी ध्यान रखना आपको। 62 के बाद 65 के बाद आपका 69 आता है, ठीक है, 1869 में इन्होंने दिया था, ठीक, 4 साल बाद इन्होंने एनर्जी आई इनके अंदर और मस्त सोचे कि आप तो बिल्कुल ख़त्म। पांचवा नंबर आते हैं मेंडलेव की आवर्त सारणी, मेंडलेव जी आते हैं, पांचवें नंबर पे आते हैं मेंडलेव, मेंडलेव की आवर्त सारणी, मेंडलेव की आवर्त सारणी इन्होंने अपना नाम दिया, मेंडलेव सामने लगा और आवर्त सारणी इन्होंने बोला, ठीक है, बिल्कुल। इन्होंने कब दिया था भाई मेंडलेव की आवर्त सारणी, इन्होंने भी 1869 में भी इन्होंने ही दिया, जैसे उनकी जटिल दिखी तो फिर ये एनर्जेटिक हो गए और मस्त 1869 में इन्होंने अपना एक दिया, क्लियर है बताओ, यस इन्होंने दे रखा। अब बताइए जब हमारी सारी चीज़ें हो गई है, बताइए अब हमारा ये तो सारी चीज़ें हो गई, बताइए मेंडलेव का आवर्त सारणी, अब जो पांच थे इन्होंने क्या आधार माना था, परमाणु भार के आधार, लेकिन जब मेंडलेव आए तो इन्होंने लगभग 70 से 80% अप्रोक्स मान सकते हो, 70 से 80% आपका जो होता है क्या कहते हैं 80% जो होता है इन्होंने सॉल्व कर दिया था, लेकिन इनके एक शिष्य थे मोसले भी उनको कहा जाता है, क्योंकि स्पेलिंग में यस लिखते थे, यस का सा और ज दोनों होता था, तो कहीं किसी किसी बुक में मोजले लिखा होता, किसी किसी में मोसले लिखा होता, तो आपको इस पे ज़्यादा नहीं जाना, मोजले तो मोजले थे, उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी जो बनाए हैं वो लगभग 70 से 80% तो सरल है, बट उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए, इसको और भी सरल वे में बनाया जा सकता है। तो फिर उनके गुरु तो बिल्कुल थक गए थे भाई मेंडलेव जी, तो फिर मोजले कहते हैं चलो हम बनाते हैं, तो उन्होंने फिर अपनी गुरु की हेल्प लेकर के, मतलब उनकी सारणी को अध्ययन करके फिर उन्होंने और ज़्यादा अध्ययन किया, और उन्होंने कहा कि भाई जब हमारे यहाँ डॉबेराइनर जैसे महान वैज्ञानिक आए 1829 में, 1808 के बाद बताइए इतने साल बाद फिर भी सक्सेस नहीं हुए, टेलुरिक स्क्रू हेलिक्स से नियम आए यानी कि 1862 इतने साल बाद आए फिर भी सक्सेस नहीं हुए, 1865 में आए बताइए न्यूलैंड का अष्टक नियम है फिर भी ये फेल हो गए, लोथर मेयर व्यवस्था वक्र 1869 में फिर भी फेल हो गए, मेंडलेव की आवर्त सारणी आए गुरु जी हमारे यहाँ 1869 वो देखते रह गए इनके बारे में, लेकिन जब उनके गुरु जी पर आए उनके टीचर पर आया था फिर उनको फिर आ गया जोश, कहते अब नहीं सहेंगे अब तो ख़त्म इसके, अब इसको बिल्कुल इसका हम पोस्टमार्टम करके रखेंगे, ठीक है बिल्कुल। मेंडलेव की आवर्त सारणी 1869, फिर आते हैं हमारे मोजले जी आते हैं, कौन आते हैं, उन्होंने कहा ये पाँच लोगों के फेल होने की वजह क्या है, इन्होंने फेल कहाँ पे हुआ, किस पॉइंट पे इनका फंसा है, आखिर किस पॉइंट पे इनका, यानी कि जो इनका पीरियोडिक टेबल है किस पॉइंट पे इनका गलत हुआ है, और क्या इनमें डिफिकल्टी, उन्होंने वो कमी जो थी ना, कमी का कारण होना, कमी को दूर नहीं किया पहले, कमी का कारण, कहते हैं ना जीनियस व्यक्ति क्या होते हैं कि अगर उनको 1 मिनट का टाइम दिया जाए तो 55 सेकंड सोचने में लगाएंगे कि इसको कैसे हल करें, अब 5 सेकंड उसको करने में हल कराएंगे, आया समझ में, बिल्कुल। ऐसे उन्होंने सोचा उसको क्या कमी है, पांच लोग इतने बड़े बड़े हमारे गुरु जी बताइए हमारे आचार्य जी बताइए फेल हो गए, तो इसका कोई बड़ा कारण होगा, उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु आधार जो जॉन डाल्टन के आधार पर चल रहे हैं सब लोग, बस यही फॉल्ट है, क्योंकि सभी लोगों ने परमाणु भार के आधार पर इसको अरेंज किया था,
तत्वों को। कहा कि परमाणु भार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको क्या करते हैं हम, इसको उठा करके कहते तुम जाओ अपने घर, उसको घर भेज दिए और कहते हम तुम्हारे बिना काम चला लेंगे बेटा, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे हम भाई को ला लेंगे, तुम डेंजर हो, तुम्हारे हम भाई को बना लेंगे भाई, एक हम कार्टून बना लेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, परमाणु क्रमांक नामक चीज की खोज की। हाँ, परमाणु भार को कहा तुम साइड चलो, तुम्हारा काम रहेगा, तुम्हें हम मतलब इसमें जगह देंगे बेटा, लेकिन तुम्हारे नाम से हम नहीं बनाएंगे, हाँ तुमको प्राथमिकता नहीं देंगे, प्राथमिकता सेकंड प्राथमिकता तुमको देंगे, फर्स्ट प्राथमिकता हमारा हम खुद बनाएंगे। उन्होंने क्या कहा, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, ये सी का 5 थे, अब हम लोग डी नंबर डालते हैं, ध्यान रखना इस बात को, डी डालते हैं। डी इन्होंने क्या कहा, वर्गीकरण हम लोग देखेंगे, अब मजा आएगा आपका, ठीक है, अब आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगा, आप टेंशन नहीं लेना, हमने आपको गारंटी से बोला कि आपको समझ में आएगा। देखिए परमाणु क्रमांक क्या भाई, परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्होंने कहा सारी जड़ जो है, जड़ को हटाओ भाई, क्यों आप पीरियोडिक टेबल को क्यों चेंज कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भाई, फालतू मेहनत कर रहे हो, नहीं करनी चाहिए आपको भाई, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब आप जान जाइए जो हमारे मौजले हैं उनको ये चीज़ ढूंढने में, ये चीज़ की इनमें कमी कहाँ है, फॉल्ट क्या है। तो उन्होंने सभी का अध्ययन किया, सभी लोग केवल परमाणु भार के आधार पर लटक जाते थे। उन्होंने इसको पाने में, इसको खोजने में कितने साल लगा दिए आपको पता है, 1869 से उन्होंने कब खोज की थी भाई मौजले ने, 1911, अब 1911 उनका बनकर तैयार हो गई, मतलब इतने साल इसमें उन्होंने कमी ढूंढी, इतने साल उनको बनाने में लगा, ठीक है ना। अब जाने 69 डायरेक्ट आंसर बताइए, 70 30 साल ये, 31 साल ये, 11 साल ये, 41 साल नहीं 42 साल सॉरी, आपका ये 31 साल हो गया, ये आपका 11, 31 था 41 तो एक 42, 42 साल में उनका कंप्लीट हो गया था, 42 साल, यहाँ 42 साल एक व्यक्ति की उम्र होती है बताइए आजकल, मतलब ज़्यादा भी जीते हैं 70 तक, बट मिनिमम ठीक है, ऐसे अप्रोक्स बताते हैं, ऐसे सीरियस मत ले लेना बिल्कुल। ये इन्होंने कब लाया भाई परमाणु का, इसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर सबसे पहले आते हैं हमारे बहादुर मौजले जी आते हैं, जिसका नाम क्या था उन्होंने रखा था मेंडलेव, उन्होंने बहुत इतने मतलब अच्छे थे, उनके सिंसियरली थे, ऐसे नहीं थे सिंसियर, मेंडलेव, उन्होंने कहा कि हमने ज़रूर बनाया है बट हम चाहते हमारे गुरु जी के, हमको उन्होंने शिक्षा दी है, हम चाहते हमारे गुरु जी का नाम आए, क्या है गुरु जी का नाम आए बिल्कुल, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इतना कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नाम तो आ ही जाएगा भाई, आपकी फेल हो गई थी फिर आपने कैसे सोचा था, फिर कहीं ना कहीं उनका नाम आ जाता है बट डायरेक्टली नहीं। हाँ मेंडलेव उन्होंने क्या रखा है, मेंडलेव की आवर्तसारणी थे, आधुनिक आवर्तसारणी, आधुनिक मतलब मॉडर्न, ये जो देख रहे हैं हम ना यही है आधुनिक आवर्तसारणी, जो आप देख रहे हैं ना यही है आवर्तसारणी, क्लियर है बताइए, आवर्तसारणी इन्होंने दिया, या इसी का नाम क्या पड़ता है हमारा भाई, इसी का नाम आपका है, इसी का नाम क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं, आधुनिक आवर्त, आपको इसी क्रम में सारी चीजें लिखना है, आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं, जिसको इन्होंने 1911 में बनाया था, क्लियर है बताइए, यस, इनका नाम कहीं नहीं, लेकिन आप जब डिटेल पढ़ेंगे ना, आप जब बुक्स उठाएंगे तो उनमें आपको मिलेगा कि मौजले ने इसको बनाया है, लेकिन नाम मेंडलेव के नाम पे, सोचे गुरुजी का नाम हमारे होना चाहिए, बताए कितने अच्छे शिष्य हैं। तो 1911 में जाकर 1808 से, आप बताइए एक टेबल को बनाने में 1808 से की इतिहास चालू हुआ और 1911 मतलब एक शब्द एक शताब्दी से ज़्यादा वक्त चला गया, मतलब 103 वर्ष का टाइम लगा बताइए, खजब, मतलब इतनी मेहनत के बाद ही बना और आप लोग इसको हल्के में ले रहे हो, इसको हल्के में ले रहे हो आप, जो इसको मैं हल्के में लिया उसको केमिस्ट्री ने हल्के में ले लिया है, वो केमिस्ट्री में 75 या 70 में से फिर 7 या फिर 17 नंबर पाता है, फिर हल्के में लोगे तो फिर आपको हल्के में ले लेगी, ध्यान रखना हल्के में नहीं लेना इसको, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसमें देखो इतने की, लेकिन ये सरल है अगर आप समझ जाओगे ना, ये क्या एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रो क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, ये आपका ऑक्सीडेशन क्या है, ये आप डिस्कवरी क्या है, कब इसको मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें अब जब आप देखेंगे ना, ये रेड वाला क्या है, ये आपका क्या है, इसमें ये क्या दिखा है, इंडेक्स इसका क्या क्या इसमें शामिल होता है, ये सारी चीज़ आप कैसे जानेंगे भाई, जब इसको हल्के में लेंगे लाइटली लेंगे तो आपको भी ये लाइटली ले लेगा, करंट मारेगा लाइट लोगे तो आप इसको, ध्यान रखना इस बात को।
ये सारी जो आधुनिक आवाज सारणी आपको 1911 में आपका है, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखा, अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई। इन्होंने ये तो बनाया, बट इन्होंने फिर क्या आगे किया इसकी रणनीति हम लोग देखते हैं भाई, आपके साथ ही देखेंगे, आप टेंशन ना लो। चल हम लोग देखते हैं भाई, ये डी नंबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये वर्गीकरण किसके आधार पे था, परमाणु क्रमांक के आधार पे। अब इन्हीं का जो आधुनिक आवर्त सारणी ये वाला है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसको डी के बजाय हम ई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ई, ठीक है। आप लोग भी डालेंगे ई। अब इसका वर्गीकरण यहाँ पे भी, वर्गीकरण हम किसके बेस पर करेंगे बताइए, वर्गीकरण यहाँ भी, अभी हमारा वर्गीकरण इसके अंदर का वर्गीकरण, अब वो मेन वाला वर्गीकरण नहीं, इसके अंदर आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर का वर्गीकरण। ये देखिए आपका दिख रहा है यहाँ बड़ी सी रेखाएं हैं, ये छह बड़ी है, फिर ये छोटी, फिर ये वाला, तो इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ये वाला वर्गीकरण हमारा, ठीक है, वर्गीकरण। लेकिन इसका बेस क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। क्या डालेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, जो अंदर का वर्गीकरण हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, क्लियर है बताइए, इसके आधार पर ये चीज, ठीक है, वर्गीकरण। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन्होंने क्या कहा था, परमाणु क्रमांक, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंदर डिवाइड जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और परमाणु क्रमांक को ध्यान में रखते थे, परमाणु भार भी इन्होंने छोड़ा नहीं है, परमाणु भार ये देख रहे हैं आप, एटॉमिक वेट ये देख रहे हैं, 26.982 डला हुआ है यहाँ पे, आपको जूम करके हम नहीं दिखा सकते बेटा, आप लोग ये सर्च कर सकते हो गूगल में, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझाएंगे, कैसे कैसे बनाकर बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना, क्लियर है, यस। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग देखेंगे कितने में, तो इसमें कितने में बांटा गया था भाई हमारा, पहला बांटा गया था भाई हमारा एस ब्लॉक, क्या बांटा गया था, यस ब्लॉक में, ठीक है, एस ब्लॉक में। दूसरा हमारा बांटा गया था भाई पी ब्लॉक में। तीसरा हमारा बांटा गया था भाई आपका डी ब्लॉक में, इसमें भाई डी ब्लॉक में। चौथा हमारा क्या बांटा गया था भाई, एफ ब्लॉक में, क्या, एफ ब्लॉक में बांटा था, आया समझ में, बिल्कुल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में इन्होंने बांटा, चार ब्लॉक आप इसमें देख रहे हैं। हम आपको फिर भी अगर डिटेल में बताएंगे, अभी तो हम लोग केवल इसका सिलेबस लिख रहे हैं एक तरफ, तो आप फिर भी बताएं, ये आपका दो लाइन जो है ना, ये आपका एस ब्लॉक है, क्या है, एस ब्लॉक है, क्लियर है, यस। और आपका ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये आपका पी ब्लॉक, ये देखिए लिखा हुआ पी ब्लॉक, ठीक है, ये आपका एस ब्लॉक है, क्लियर है, यस। अब आपका ये जो बीच का ना, ये यहाँ से लेके ये पीला वाला भाग, ये जो है आपका पीला भाग, ये 3 से लेके 12, ये आपका डी ब्लॉक है, क्या है भाई, डी ब्लॉक। ये आपका जो दो लाइन है, ये आपका एफ ब्लॉक, ये लिखा हुआ है एफ ब्लॉक, ठीक है, एफ ब्लॉक आपका ये नीचे, आया समझ में, सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। यहाँ पर इन्होंने चार ब्लॉक में बांट दिया, कितने ब्लॉक में भाई, चार ब्लॉक में हमारा बांट दिया है, क्लियर है, यस yes। अब चलिए हम लोग चार ब्लॉक के अंदर इन्होंने किस किस के आधार पे इन्होंने क्या क्या काम किया, चार तो हो गए हमारे, फिर इसके अंदर इन्होंने किस किस क्वालिटी को मतलब मेंशन किया था इन्होंने, ठीक है, बिल्कुल। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही, बट कोई बात नहीं, आपको इस थोड़ा सिलेबस तो जानना पड़ेगा एक ही वीडियो में, क्योंकि बार बार सिलेबस की वीडियो तो नहीं बनाई जा सकती है, आपको फिर पढ़ाएंगे भी ऐसे थोड़ी ना, यही करते रहेंगे। चलिए आते हम लोग तीसरा पॉइंट डालते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, तीसरा पॉइंट जो बाहर का था, आपको ध्यान रखना तीसरा पॉइंट है। हम लोग इसमें कुछ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमारा तत्वों के गुणधर्मों, जो तत्व हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, तत्वों का गुणधर्मों की आवर्ती प्रवृत्त जो होती है, प्रवृत्त की आवर्ती प्रवृत्त, प्रवित्र, ठीक है, ये पवित्ति, इसको पवित्र भी कहते हैं, पवित्र, ठीक है, ऐसे प्रवृत्ति, 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 ठीक है, क्लियर। तत्वों के गुणधर्मों की आवर्ती प्रवृत्ति, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे, इन्होंने बताया बहुत ही बेसिक यानी ए नंबर पे, परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस, आया समझ में। बी नंबर पे इन्होंने शामिल किया आयनिक त्रिज्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको हम डिटेल में, डेप्थ में जाकर आपको बताएंगे, और आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे, आपको गारंटीज मैंने कहा ना, प्रॉमिस के साथ। आपका अगला है आयनन एंथैल्पी, ये क्या होता है, आयनन एंथैल्पी, ठीक है, बिल्कुल।
अगला हमारा डी नंबर पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होता है, ये चीज़ आप बिल्कुल नोट में बना लेंगे, ठीक है ना? जिसे हम पढ़ाएं तो आपको ध्यान रहे भाई, अब ये पढ़ना है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है जब क्रिया कराएंगे आप, एक तत्व से दूसरे तत्व से यौगिक बनाएंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता EF नंबर है, आप लोग क्या करेंगे, संयोजकता जानेंगे। क्या जानेंगे? संयोजकता। संयोजकता बहुत ही ज़रूरी, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है EFG। जी नंबर पे हम लोग देखें ऑक्सीकरण संख्या, क्या देखेंगे? ऑक्सीकरण संख्या जानेंगे। क्या जानेंगे? ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आया समझ में? बिल्कुल। अब हम लोग देखते हैं भाई, ये तीसरा पॉइंट हो गया, चौथे पॉइंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल, हम लोग चौथे पॉइंट में कुछ परिभाषाएं देखेंगे, ये भी परिभाषाएं ही हैं, बट हम लोग कुछ स्पेशली परिभाषाएं और शामिल हमने किया है आपको, बिल्कुल पूरा सीक्वेंस वे में। हमने जब आपको बोल दिया सीक्वेंस वे में, तो आप फिर ट्रस्ट कर लीजिए एक बार में, ठीक है? बिल्कुल। अब हम लोग इसी में सीखेंगे पहला पॉइंट, इसका क्या सीखेंगे भाई, तीसरे में परिभाषाएं में, परमाणु क्रमांक क्या होता है, जो हम इन्होंने मोजले ने खोज की थी भाई, परमाणु क्रमांक आखिर वो होता क्या है, एटॉमिक नंबर। बी नंबर पे इन्होंने क्या कहा था, परमाणु क्रमांक होगा। बी नंबर में इन्होंने दिया था परमाणु भार, इन्होंने नहीं दिया, पर हम लोग परमाणु भार के बारे में पढ़ेंगे परिभाषाएं, ठीक है? बिल्कुल, परमाणु भार हो गया, परमाणु क्रमांक होगा। तीसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे हम लोग। क्या क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग किसको किसको पढ़ेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर हम लोग पहले नंबर पे पढ़ेंगे भाई अफबाऊ, ठीक है? अफबाऊ सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, अफबाऊ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे हम लोग। इसमें फिर हम लोग अफबाऊ के साथ साथ हम लोग फिर पाउली का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराते हैं। तीसरा हमारा हुंड का नियम पढ़ेंगे। तीनों आपके ना, अगर ये आप तीन जान गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकी में खत्म। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर आप अबाऊ ने नियम दिया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, पाउली ने, हुंड ने, तीन लोगों ने दिया, ठीक है? किसी ने कम दिया, किसी ने ज़्यादा दिया भाई, सही ना? हुंड ने तो नॉर्मली, ये पाउली ने तो केवल बताया था, अबाऊ और हुंड का मेन है। पाउली ने तो एक सिद्धांत दिया था, वर्जन नियम दिया था, जिसको फॉलो करके हुंड ने उसको लागू कर लिया था। अबाऊ ने तो अपना खुद का नियम और बढ़िया डिटेल में बताया इन्होंने। अबाऊ नियम बहुत ही फेमस है, ठीक है? ये चीज़ हम लोग सी के अंदर देखें। अब आगे देखते हैं भाई, इसमें और क्या शामिल किया गया। ये हमारा परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु भार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे हमारा सी था ये। अब हम लोग डी नंबर देखेंगे। डी में क्या देखेंगे? परमाणु के भौतिक एवं रासायनिक गुण, ठीक है? ये देखेंगे। ई नंबर पे देखेंगे डी के ई के बाद परमाणु द्रव्यमान हम लोग देखेंगे। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान, आपको पता है परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार में क्या अंतर होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। आया समझ में? ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहेंगे, ठीक है? बिल्कुल, ये आपका सिलेबस रहेगा। और इसमें कुछ चीज़ें छूट गई, एक दो चीज़ छूट गई होंगी, मेरे को ध्यान ना होगा तो आप लोग उसको हम लोग फिर लास्ट में कर लेंगे, या फिर बीच में अगर कहीं मिलता है तो हम आपको करा देंगे, इसको हम एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है? आई होप कि आपको ये सारा सिलेबस आपको लिख लेना है, वीडियो को एक बार दो बार समझ लेना, और जो मैंने सीक्वेंस बताया ना वो चीज़ आपको ध्यान रखना है भाई। 1808, 1829, आया समझे? 1862, 1865, 1869, 1800, फिर 69, 1911, ये जो आपका सीक्वेंस है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको कनेक्ट कर पाए, इसको एक दूसरे से कनेक्ट करके जब पढ़ेंगे ना, और इसकी ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे कि खत्म हो जाएगा। इसके हमने इसको हर एक ब्लॉक को याद करने का ट्रिक, हर एक ग्रुप, हर एक फैमिली ग्रुप को याद करने का ट्रिक, आया समझ? इसको पढ़ने का तरीका, सारी चीज़ें A to Z, को बिल्कुल परेशान नहीं होता। ये मैंने आपको पूरा मैंने बता दिया अपना प्लान, कैसे हम आपको पढ़ाएंगे पूरा सिलेबस।
इतना बनने लगा ना तो आपको केमिस्ट्री हलवा लगेगी, हलवा जैसे हलवा बना नहीं कि खा लिए, हलवा लगेगी बिल्कुल। तो आई होप को आपको मज़ा होगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो लगी तो आप लाइक मारिए और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नए हैं तो, और नहीं नए हैं पुराने हैं तो फिर नए दोस्तों को शेयर कीजिए भाई, उनको भी ज़रूरत है, आप बस थोड़ी ना पढ़िए, सबको दीजिए, सबको ज़रूरी है, फ्री एजुकेशन है कौन सा इसमें भाई, फ्री एजुकेशन आप दीजिए बिल्कुल। ये आपका चैनल, इसको ग्रो कराइए, जैसे जैसे ग्रो करेगा आपके लिए हम और अच्छी अच्छी चीज़ें। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया कि मेरे पास जितने ए टू जेड सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो मेरे पास नॉलेज मैंने गेन किया है उसको मैं आपके, हमारे पास एक अच्छे से ट्रिक है, अपने अच्छे से नॉलेज है मेरे पास, ऐसा मेरे को लगता है कि मैं शेयर कर सकता हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म को मैंने इसीलिए इस चैनल को बनाया ताकि हर सब्जेक्ट को आपके मैं शेयर कर सकूँ। और मैंने यह दूसरा चैनल मैथ्स ला करके, इसके चैनल लिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ पर देखें मैथ, उसमें केवल मैथ्स बस मिलेगी आपको, मैथ्स मैं स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री तीन सब्जेक्ट मैथ पढ़ाता हूँ, इंग्लिश तो मेरी चार सब्जेक्ट मेन चलती हैं तो जिनको मैं अलग से करता हूँ, बाकी आपको सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलेंगी। क्लियर है, आई होप आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए बेल आइकन को ऑल ऑप्शन जरूर प्रेस कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और बने रहिए। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए की पॉइंट, और आज संडे स्पेशल इसलिए मैंने आप इसके लिए आया है, आज संडे स्पेशल आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ऐसे हर संडे को, और आपको हम स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड अब छोटी छोटी यूजेस भी लाएंगे आपके लिए, तो बिल्कुल बने रहिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।